नमस्कार। कि किसी कॉइल में बैक ईएमएफ कैसे पैदा होते हैं? ये इंडक्टर है जिसके दो तार हैं, वोल्टमीटर है ये, और ये नियॉन इंडिकेटर है, नियॉन बल्ब जिसके लाल और काले टर्मिनल है, और ये सप्लाई है, डीसी सप्लाई। चित्र 12 के अनुसार हम कनेक्शन करेंगे, 10 वोल्ट डीसी एक कॉइल को जाएगा, कॉइल के अक्रॉस नियॉन लैंप लगा हुआ है, नियॉन लैंप का सिंबल आप यहाँ देख सकते हैं, डॉट का निशान लगा हुआ है। ये 10 वोल्ट हैं डीसी के, यदि मैं माइनस का कलर यहाँ लगा देता हूँ, प्लस का यहाँ लगा देता हूँ, तो यहाँ माइनस का सिंबल आ जाता है, अर्थात इन दो टर्मिनल में 10 वोल्ट डीसी है। कॉइल के कनेक्शन में यहाँ कर देता हूँ, वोल्ट मीटर के अक्रॉस मैंने कॉइल के कनेक्शन कर दिए, और इसी कॉइल के अक्रॉस मैं नियॉन बल्ब के भी कनेक्शन कर देता हूँ, और नियॉन बल्ब को मैं यहाँ पास में रख देता हूँ ताकि ऑब्जर्व करने में हमें सुविधा रहे। जो हमारी डीसी सप्लाई है उसका एक कनेक्शन माइनस का हम पहले ही कर देते हैं, और प्लस के कनेक्शन को हम यहाँ से टच एंड रिलीज करेंगे। वोल्टेज आते हैं 9.97 वोल्ट पर, अभी इंडिकेटर जल नहीं रहा। अब मैं जब हटाता हूँ इस कनेक्शन को तब ये नियॉन जलता है। द एबिलिटी ऑफ ए कॉइल टू इंड्यूज हाई वोल्टेज कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय कनेक्टिंग ए नियॉन लैंप अक्रॉस ए कॉइल एज इन फिगर 12। ए नियॉन लैंप यूज्ड एज एन इंडिकेटर रिक्वायर्स ए मिनिमम ऑफ अबाउट 70 वोल्ट टू फायर और लाइट, अर्थात नियॉन बल्ब को जलने के लिए कम से कम 70 वोल्ट की आवश्यकता होती है। इट इज ऑब्जर्व्ड डेट ए बैटरी डज नॉट लाइट द लैंप एज द वोल्टेज इज ओनली 10 वोल्ट, अर्थात बैटरी के 10 वोल्ट से नियॉन बल्ब नहीं जल सकता। एट द टाइम ऑफ स्विचिंग ऑन, जब हम स्विच ऑन करते हैं, अर्थात 10 वोल्ट जब चौक को देते हैं उस वक्त नियॉन बल्ब नहीं जल सकता। बट वेन द स्विच इज ओपनड, परंतु जब हम स्विच को खोलते हैं, द लैंप फ्लैशेज इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाई वोल्टेज मोर देन 70 वोल्ट, अर्थात जब हमने स्विच को ओपन किया उस वक्त, जब ये स्विच ओपन किया उस वक्त इस कॉइल में से 70 से ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न हुए और नियॉन बल्ब जला। ए मेजर एप्लीकेशन ऑफ ए हाई वोल्टेज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल बाई इंटरप्टिंग, इंटरप्टिंग का मतलब रोकना, द करंट थ्रू द कॉइल इज इन ए फ्लोरोसेंट लैंप सर्किट्स एंड इग्निटर्स ऑफ पेट्रोल इंजन। तो जब हम इस करंट को ब्रेक करते हैं उस वक्त फ्लोरोसेंट सर्किट में जो है ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए और पेट्रोल इंजन में इग्निशन को चालू करने के लिए कॉइल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने किसी कॉइल में उत्पन्न हुए ईएमएफ, जिनको हम बैक ईएमएफ कहते हैं, को प्रत्यक्ष रूप से देख करके अध्ययन किया। अभी हम कॉइल में जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा में यदि कोई परिवर्तन होता है तो कॉइल उसका विरोध करती है, इसका एक प्रयोग प्रदर्शन के द्वारा देखते हैं। ये डीसी शंट जनरेटर है जिसमें फील्ड और आर्मेचर है। फील्ड के सीरीज में दो बल्ब लगे हुए हैं, एक 25 वाट का, 15 वाट का, जिनके अलग अलग स्विच हैं। ये लोड बैंक है जिसमें ये 25 वाट का बल्ब है और ये 15 वाट का बल्ब है। जब दोनों बल्ब चालू रखेंगे हम, उस वक्त धारा जो है दो रास्ते से जाएगी, तो धारा अधिक जाएगी, 15 प्लस 25 वाट में 0.15 एम्पीयर की धारा जाएगी,
उसके पश्चात हम जो है 15 वाट का जब स्विच बंद करेंगे तो धारा कम होना चाहेगी, परंतु धारा क्योंकि उतना ही जाना चाहती है वो उसका विरोध करती है, तो समस्त धारा 25 वाट के बल्ब में से जाएगी और 25 वाट का बल्ब रोशनी उसमें से तेज दिखाई देगी। चालू करो मशीन को, डीसी जनरेटर को चालू करते हैं। 15 वाट का बल्ब भी चालू करो। अभी धारा जो है एम्पियर मीटर में से यहाँ से प्रवाहित हो रही है। 15 वाट का बल्ब बंद करने पर 25 वाट के बल्ब से रोशनी तेज होगी। करो बंद, वापस चालू करो, वापस बंद करो। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जब धारा में परिवर्तन किया जाता है तो उसका विरोध होता है परिवर्तन का, वो हम यहाँ रोशनी के द्वारा स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। डीसी में लगा देंगे, डीसी जनरेटर को जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर से चालू करेंगे। शंट फील्ड को जब हम टेस्ट करते हैं तो बल्ब जलता, जबकि एसी में शंट फील्ड को टेस्ट किया तो बल्ब नहीं जला था, केवल स्पार्क होता था, और इसमें स्पार्क भी बहुत तेज स्पार्क होता है, इतना तेज स्पार्क होता है, लगातार स्पार्क होता है। शंट फील्ड की धारा ब्रेक करने पर इंडक्टर के गुण के कारण बैक ईएमएफ उत्पन्न होने से स्पार्क उत्पन्न हुई। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद।